श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में हिंसक झड़प रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांकुड़ा में देर शाम दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। मारपीट में बीजेपी के 6 और टीएमसी के 4 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल सोनामुखी में बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। बीजेपी का आरोप है कि कार्यक्रम को बंद कराने के लिए टीएमसी के गुंडे वहां पहुंच गए और मारपीट शुरू कर दी। हालांकि टीएमसी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। प्रेमा राजाराम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रेमा, एक तरफ रिपोर्ट दाखिल की गई है चुनाव के बाद हिंसा को लेकर, जिसमें भी ये बताया गया है कि किस तरह से जो रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे लोग, उनके ही खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। और इस बीच फिर से इस तरह की खबर, ऑलरेडी बैकफुट पर पश्चिम बंगाल की सरकार है और इस बीच इस तरह की खबरें। पश्चिम बंगाल सरकार अभी बैकफुट पे है क्योंकि उनको तृणमूल कांग्रेस को अभी साबित करना है कि यहाँ पे फोर्सफुल वायलेंस नहीं हो रहा है। लेकिन अभी फिर से एक घटना घटी बांकुड़ा में, जहाँ पे सोनामुखी के एमएलए दिबाकर गरामी के ऊपर आक्रमण हुआ है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि कोई आक्रमण नहीं हुआ है और पुलिस भी इसके बारे कह रहा है कि ऐसा कुछ ऐसी घटना नहीं घटी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने एक ट्वीट के जरिए ये कहा है कि सोनामुखी एमएलए के ऊपर आक्रमण हुआ है और ये भी कहा है कि 7 बीजेपी के सपोर्टर्स उनके साथ थे जब ये घटना घटी और उनको भी वो भी घायल हुए इस घटना में और उनको बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया है। लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस अभी ये कह रहा है कि ऐसे ही कुछ फोर्सफुल वायलेंस की घटना नहीं घटी है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि फोर्सफुल वायलेंस यहाँ पे बार बार लगातार होती जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेमा तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर ये शख्स आपको घायल और खून से लथपथ नजर आ रहा होगा। बीच में तस्वीर आप देख सकते हैं और एक तरफ एक शख्स लेटा हुआ जमीन पर आपको नजर आ रहा है। अब बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प हुई है। पश्चिम बंगाल की सरकार एक बार फिर हमेशा की तरफ से यही कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग जो है क्या खुद से इन्होंने अपने आप को जख्मी कर लिया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था, देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जब जांच करने के लिए टीम यहां से अलग से मानवाधिकार की गई थी तो वहां पर किस तरह से उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया था। पुलिस तक वहां पर मौजूद नहीं थी उनके बचाव के लिए। अब ऐसे में आम नागरिक की क्या स्थिति है ये कहना आसान है। आपको हम बता दें कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आई है, जिसमें बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड को नया सीएम मिल गया है। पुष्कर सिंह धामी ने 11